छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के तहत आज 10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े और महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए की राशि अंतरित की। महतारी वंदन योजना के तहत 70,12,800 महिलाओं के खाते में 655,55,00,000 रुपए DBT के माध्यम से ट्रांसफर किए गए। ये योजना लागू होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी पूरी हो गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। महतारी वंदन योजना के माध्यम से इस ध्येय वाक्य को धरातल पर मूर्त रूप दिया गया है। वहीं पीएम मोदी ने जय जोहार के साथ उद्बोधन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की और कहा कि माँ दंतेश्वरी, माँ बम्लेश्वरी और माँ महामाया को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को प्रणाम। आज मुझे नारी शक्ति को सशक्त बनाने वाली महतारी वंदन योजना को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज हमार छत्तीसगढ़ के लिए और विशेषकर हमार 70 लाख से ज्यादा माता बहनी मन के लिए बहुत ही शोभा के बात है कि आज महतारी वंदन योजना के शुरुआत करे बर हमार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जन जन के नायक श्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली आशीर्वाद देहे बर हमर बीच में उपस्थित होगी ने। मैं सबसे पहले आप मन से चाहूं कि जोरदार करतल ध्वनि से मन के स्वागत करा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका सत सत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। छत्तीसगढ़ के जम्मो बहनी और महतारी मल्ला सादर प्रणाम। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी वंदन योजना का शुभारंभ कर रहे हैं, इसके लिए हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। माताओं बहनों, आप लोगों को जिस दिन का बेसब्री से इंतजार था वह दिन आज आ गया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आप लोगों को गारंटी दी थी कि छत्तीसगढ़ में यदि हमारी सरकार बनती है तो हम महतारी वंदन योजना शुरू करेंगे। लीजिए प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में आज से इस योजना की शुरुआत हो रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि आज 70,12,600 महिलाओं के बैंक खातों में पहली किस्त के रूप में 1,000 रुपए का अंतरण आपके कमलों से हो रहा है। मेरी माताओं बहनों बेटियों, हमारी सनातन परंपरा कहती है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। महतारी वंदन योजना के माध्यम से इस ध्येय वाक्य को धरातल पर मूर्त रूप दिया गया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया यह मजबूत कदम छत्तीसगढ़ की आधी आबादी के सपनों को पूरा करने की दिशा में बहुत बड़ी छलांग है। आप शक्ति स्वरूपा हैं, आप राष्ट्र की निर्माता हैं, आपका योगदान अनमोल है। यह महतारी वंदन योजना आप लोगों को छोटा सा अर्पण है। मोदी जी ने विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य देश के सामने रखा है, इसके लिए विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण बहुत जरूरी है। आप लोग जितनी सशक्त होंगी हमारा देश और प्रदेश भी उतना ही सशक्त होगा। आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी की ताकत से हमारी भी ताकत दोगुनी हो गई है। इस ताकत को हम सब लोगों को बनाए रखना है। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उनको अपनी ताकत देकर आपको देश और प्रदेश की ताकत बढ़ाना है। प्रधानमंत्री जी, आपका मैं पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए कि अपने व्यस्तम समय में से हमारी माताओं बहनों को, छत्तीसगढ़ को आशीर्वचन देने के लिए समय निकाले। आपको बहुत बहुत
आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और नारी सशक्तिकरण की दिशा में सशक्त पहल है महतारी वंदन योजना, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ की महिलाओं को मिलने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारा आग्रह, कृपया रिमोट का बटन दबाकर इस योजना का शुभारंभ करें। नमस्कार जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साई जी, राज्य सरकार के सभी मंत्रीगण, विधायकगण, अन्य सभी उपस्थित महानुभाव, जय जोहार। मैं मां दंतेश्वरी, मां बमलेश्वरी और मां महामाया को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को भी मेरा प्रणाम। दो हफ्ते पहले मैंने छत्तीसगढ़ में 35,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था और आज मुझे नारी शक्ति को सशक्त बनाने वाली महतारी वंदन योजना को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ की 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को हर महीने 1,000 रुपया देने का वायदा किया गया था। बीजेपी सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। आज महतारी वंदन योजना के तहत 655 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है और मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं लाखों लाखों बहनों के दर्शन हो रहे हैं। अलग अलग स्थान पर इतनी बड़ी तादाद में आप सब बहनों को एक साथ देखना, आपके आशीर्वाद प्राप्त करना, ये भी हमारा सौभाग्य है। दरअसल तो आज कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण है कि मुझे छत्तीसगढ़ में आपके बीच पहुंचना चाहिए था, लेकिन मैं अलग अलग कार्यक्रमों के कारण यहां उत्तर प्रदेश में हूं। और माताएं बहनें, मैं अभी काशी से बोल रहा हूं और कल रात बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करते हुए, उनकी पूजा करते हुए सभी देशवासियों की भलाई के लिए प्रार्थना करता था और आज देखिए मुझे बाबा विश्वनाथ की धरती से, काशी की पवित्र नगरी से आप सबसे भी बात करने का अवसर मिला है और इसलिए मैं तो बधाई देता ही हूं, लेकिन बाबा विश्वनाथ भी आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं, कल शिवरात्रि थी परसों, तो शिवरात्रि के कारण 8 मार्च महिला दिवस को ये कार्यक्रम करना संभव नहीं था, तो एक प्रकार से 8 मार्च महिला दिवस, शिवरात्रि का दिवस और आज बाबा भोले की नगरी से बाबा भोले के आशीर्वाद भी, 1,000 रुपया तो पहुंच रहा है, उससे बड़ी ताकत बाबा भोले का आशीर्वाद भी पहुंच रहा है। और मैं हर महतारी को कहूंगा